अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना साहिल इरफान। पाकिस्तान का एक नौजवान जिससे चला भी नहीं जाता और खुद खाया भी नहीं जाता, फिर भी वो इतने पैसे अर्न कर रहा है, मंथली लाखों की इनकम है उसकी। एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में अवेयरनेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल हाजिर है। तो आइए इस सारी डिटेल को जानते हैं। अली हफीज, मियाँ चन्नू का रहायशी। अस्सलामुअलैकुम अली साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपको मजदूरी है, ये बचपन से ही है या कुछ हाल ही दिनों में किसी हादसे की वजह से हुआ? ये सब ये मुझे बचपन में जब पैदा हुआ तो मुझे टाइफाइड बुखार हो गया था, उसकी वजह से फाने टाइप ये बीमारी है। मेरी एक साथ काम नहीं करती अच्छे। तो इसका कोई इलाज वगैरह नहीं करा है? इतना टेक्नोलॉजी है आजकल के ट्रेंडिंग दौर में, आपने इसका कोई इसका इलाज हमने पूरे यहाँ किसी ने बताया, वहाँ पहुँचे हैं बड़े 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 हॉस्पिटल, उनकी मेरे माँ बाप की दुआएं और फिर कुरान पाक की बरकतें, यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिर आपने किसी ना किसी तरीके से तो इनको सीखा है, तो किस तरह ये आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे ये सब कुछ सीखा? ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मेरे वाले साहब ने मुझे मोबाइल ला कर दिया, अली साहब, आप हमें ये बताएं कि ज़ाहिर है बंदा किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बंदा आइडियल होता है, तो कोई ऐसे इंसान जिससे आप इंस्पायर होकर ये काम आपने शुरू किए हो? सबसे पहले तो आप हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और थोड़े हाल की बात करता चलो तो अब तक और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अली भाई, जो आप इतनी आमदनी आपकी आप बता रहे हैं कि लाखों रुपये आप जमा करते हैं, तो ये कहाँ पे मतलब इसको खर्च कैसे करते हैं? मैं अपने जैसे मजदूरों का और इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी मजदूरी को या अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी एक साइड पे रखे, आगे बढ़े, अपने अंदर कोई शकील लाए और मेहनत करें। मैं आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुझे खुद व्यूअर से अली हफीज में जो सबसे बड़ी खूबी जिसने मुझे इंस्पायर किया वो ये है कि ये कुरान जीत के हाफज भी हैं। तो हम अली हफीज से गुजारिश करते हैं वो हमें कुरान जीत की तिलावत पढ़कर सुनाए। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। आई होप व्यूवर्स आपको अली हफीज से बात करके अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था,
वो लोग जो मजदूरी की वजह से अपनी ज़िंदगी को बोझ समझ बैठे हैं और नाकामी का सबब समझ बैठे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल अली फीर जो कि मियाँ चन्नू का रहायशी है। आजकल के लोग इतने इतने बड़े स्केल्स में भी होकर इतनी इतनी अच्छी जॉब्स वाले भी इतने पैसे अर्न नहीं कर सकते जो अली फीर अपनी स्किल्स को उजागर करके इतनी अर्निंग कर रहा है। तो मिलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।